हेलो एवरीवन, दिस इज़ सलमान एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल जीके भारत। फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 14 और आज जो बात करने जा रहे हैं हम, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी बड़ी गलती बन जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो क्वेश्चन छोटा कोई भी नहीं होता। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे कीप ऑन गेटिंग द न्यू नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI? RBI के एस्टैब्लिशमेंट में किस कमेटी ने रिकमेंडेड किया था? यहाँ पर चार कमेटीज़ के नाम हैं, हिल्टन यंग कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, कोठारी कमीशन या VM तारकुंडे कमेटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पे जाने से पहले हम ये जान लें कि ये चार कमेटीज़ जो अलग अलग हैं वो किससे रिलेट करती हैं। तो VM तारकुंडे कमेटी की बात करते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हुए थे 1974 में, जिसमें हमारी एज जो है वोटिंग की जो थी पहले 21 ईयर्स थी, आज 18 ईयर्स हैं। तो 1974 में जो है ये 21 ईयर्स से रिड्यूस होकर 18 ईयर्स की गई। और ये किसके द्वारा की गई? VM तारकुंडे कमेटी के थ्रू 1974 में। सी आते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है इसको हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो इसके जो चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस समय UGC के चेयरमैन थे 1964 में। तो ये डील करता है एजुकेशन से, रिलेट करता है एजुकेशन से। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, और इसके बाद इस कमेटी के बाद जो है हमारे कंट्री के अंदर जो है पंचायती राज का गठन हुआ। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1926, और इस कमेटी ने ही जो है एक सेंट्रल बैंक, जिसको हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया। यानी इस कमेटी के थ्रू ही उस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है गठन हुआ था। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिल्टन यंग कमीशन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उसको कौन बनाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या डी MHRD। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जितने भी सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्ट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो जितने भी सिक्के होते हैं वो अपने मिंट्स में बनाती है। दूसरी तरफ जितनी भी करेंसीज होती हैं, यानी प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट जो होती हैं इंडियन करेंसी, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी टकसाल यानी अपने मिंट्स में करती है, प्रिंटिंग प्रेस में करती है। यानी जितने भी नोट्स हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ एक नोट जो बैंक नोट वो प्रिंट नहीं करती है, वो है 1 रुपी नोट, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या डी 1 अप्रैल 1935। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना, 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका जो क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था एज प्राइवेट ओन बैंक। यानी वो नेशनलाइज नहीं था, प्राइवेट ओन बैंक था। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ, और जो इसका नेशनलाइजेशन हुआ दैट इज़ प्राइवेट से हटके स्टेट ओन बैंक। एक चीज़ होती है खुद की होती है, एक होती है गवर्नमेंट की। तो प्राइवेट ओन बैंक कब हुआ था? 1935 में स्टेट ओन बैंक हुआ था, 1 जनवरी 1949। तो ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्वेश्चन नंबर फोर, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर ऑफ RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला जो इंडियन ओरिजिन गवर्नर कौन था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन बी CD देशमुख, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी RK शर्मुखम शेट्टी। तो यहाँ पे RK शर्मुखम शेट्टी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन सी CD देशमुख जो हैं वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो है गवर्नर थे ऑफ RBI। और जो यहाँ पर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं,
ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, दोनों में समझने की बात है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इंडियन ओरिजिन यहाँ पे लग गया, इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सीडी देशमुख जो थे वो इंडियन ओरिजिन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। इससे पहले जो गवर्नर बने थे 1935 से लेकर 1937 में, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन वो इंडियन नहीं थे, वो इंग्लिश मैन थे। लेकिन फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की बात हो रही, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ आरबीआई जो थे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन, वो सीडी देशमुख थे। सो ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ आरबीआई अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर, इसका अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे पूछा गया है, दोनों कॉमन चीज़ है। तो अकाउंटिंग ईयर का जो पीरियड होता है वो क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 जुलाई to 30 जून, ऑप्शन बी 1 अप्रैल to 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 जनवरी to 31 दिसंबर, या डी 1 जुलाई to 31 दिसंबर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री में साथ साथ चलते हैं। एक होता है आरबीआई का जो अपना अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। ये पीरियड है 12 महीने का, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है एक सेशन में, 12 महीने का पीरियड। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो नेक्स्ट कमिंग ईयर में आता है वो चलता है, यानी वो भी 12 महीने का है। तो यहाँ पर 3 महीने का फ़र्क आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो कंट्री की फाइनेंशियल जो स्मूथनेस है उसको कैरी करने के लिए दोनों का पीरियड में सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी था। इस वजह से जो करंट ईयर चल रहा है 2021 जो चल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 12 महीने से घटा के इसको 9 महीना कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 3 महीने पहले क्लोज हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो जून 30 को बंद होना था वो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अब क्या होगा, 31 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्लोज हो रहा है। तो जो रीओपनिंग होगी कमिंग सेशन में, जो 21-22 में होगी, वो दोनों की साथ में होगी। वहाँ से जो है दोनों नेक्स्ट सेशन के लिए 21-22 के लिए जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पीरियड और दोनों के जो 12 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें जो दोनों का टाइम लैप्स होता है उसका सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये इन्होंने पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 जुलाई to 30 जून, जो अभी तक चल रहा था, लेकिन करंट जो नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सो क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। यहाँ पर पहली दो चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि जो शिफ्ट हुआ, यानी पहले कहाँ था वो कोलकाता में था, अभी कहाँ पर है वो मुंबई में। लेकिन दो आंसर के अलावा तीसरा आंसर ये भी पता करना है कि कब हुआ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1949, बी 1935, सी 1950, या डी 1937। तो हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है, वो है मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पहले कहाँ था, कोलकाता में था, यानी इनिशियली स्टेज पर जब 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ। सो शिफ्ट कब हुआ, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1937। सो यहाँ पर तीन आंसर आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, पहले कहाँ था कोलकाता में था, अभी कहाँ पर है हेडक्वार्टर मुंबई में है, और शिफ्ट कब हुआ 1937 में। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7, लेकिन उससे पहले ये इमेज आप देख सकते हैं, ये रुपी का साइन है हमारी कंट्री का, और यहाँ पर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, दैट इन विच ईयर रुपी साइन वॉज अडॉप्टेड बाई इंडिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1950, या डी 2010। सो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये साइन को अडॉप्ट क्यों किया गया। यहाँ पर अगर देखें तो ये हिंदी जो अल्फ़ाबेट रा होता है वो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक बार नहीं, यानी हॉरिजॉन्टल बार नहीं, दो हैं। तो यहाँ पर दो जो बार हैं बीच में एक वर्टिकल बार है, ये ट्राई कलर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर दूसरा पार्ट अगर देखें इसका, तो अगर दो हॉरिजॉन्टल बार में से लोअर वाला जो हॉरिजॉन्टल बार निकाल के हम उसको वर्टिकल कर दें, तो ये कैपिटल यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आर होता है, यानी रा से भी रुपया होता है और आर से भी रुपया होता है, तो ये रुपी का साइन है। लेकिन ये अडॉप्ट कब किया गया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया। और ये जो इसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, इसको डिजाइन करने वाले डी उदय कुमार,
ये एक स्कॉलर थे और इन्होंने जो है डी उदय कुमार ने जो है रुपीज जो साइन है हमारी कंट्री का, इसको जो है उन्होंने जो है बनाया था। सो क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो आपका आज का जो लाइक का टारगेट है वो है 200 लाइक्स का टारगेट है आज, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। नंबर 8 है, इन विच ईयर द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम ऑन बैंक नोट्स। तो यहाँ पर दो इमेज देख सकते हैं आप, ये महात्मा गांधी के जो पोर्ट्रेट थी उनके इंट्रोडक्शन से पहले थी जो लाइन का कैपिटल है, और जो है फिर जो है महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट है वो आया, यानी लाइन कैपिटल जो है रिप्लेस्ड हो गया विद द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी। तो दो इमेज देख सकते हैं, एक पहले की और एक बाद की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट है इंडियन करेंसी पे फर्स्ट टाइम कब प्रिंट हुआ या पब्लिश हुआ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1996, बी 1949, सी 1951 या डी 2010। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1996, यानी 1996 से महात्मा गांधी की जो सीरीज़ है नोट की यानी पोर्ट्रेट के साथ वो आना शुरू हुई। उससे पहले क्या था, ये 10 का नोट आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, उसमें क्या है लॉयन कैपिटल यानी एम्ब्लेम ऑफ इंडिया की जो है पोर्ट्रेट है, और 1996 से उसके बाद से महात्मा गांधी जी की पोर्ट्रेट है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।